हेलो, गुड इवनिंग। हाँ जी, एक बार क्लियर करके बताएं कि मेरी वॉइस क्लियर है क्या? वॉइस आ रही है? विजिबिलिटी कैसी है? ठीक से दिख रहा है क्या? ये दो तीन चीजें क्लियर कीजिए। गुड इवनिंग सभी को। हाँ जी, सभी को गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है टीएसएल में। आज हम शुरू करेंगे, काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको पता है एंडोक्राइन सिस्टम पूरा का पूरा कंप्लीट करने वाले हैं हम यूट्यूब पे। तो आज का जो एपिसोड है, जो क्लास है, वो 105 नंबर की क्लास है, 105 नंबर की क्लास है, जो क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ था उसके बाद की बात करें। इस सीजन की पार्ट वन पहले से हम रिलीज कर चुके हैं, ये पार्ट टू है। कोई स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, यदि ऑनलाइन में देख रहा है तो ठीक है, ऑफलाइन में देख रहा है तो पहले प्रीवियस वीडियो कंप्लीट कर ले, उसके बाद ये वीडियो देखेगा तो ज्यादा समझ में आएगा। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइपोथैलेमस से रिलेटेड और पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड। ठीक है, तो आइए, सबका स्वागत है टीएसएल में। जैसे कि आपको पता ही है कि वीडियो हम शुरू करने जा रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को एंगेज करना जरूरी है। इसलिए सभी से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो के लिंक को ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दे, जो आपके ग्रुप्स है उसके अंदर। आपका व्हाट्सएप स्टेटस चेंज कर सकते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम एक बार पहुंच जाए, क्योंकि पहले रेगुलर क्लास थी हमारी, अभी रेगुलर क्लास हम नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो एक बार शेयर करना जरूरी है। हाँ जी, स्टार्ट करें। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एंडोक्राइनोलॉजी का क्या मतलब है, फिर हमने ग्लैंड्स की बात की थी कि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, फिर हमने बात की थी कि ग्लैंड्स के टाइप कौन से हैं। ठीक है, फिर हमने बात की थी कि एंडोक्राइन कौन कौन सी ग्लैंड है, सबका लिस्ट हमने बात की थी, कि हॉर्मोन कौन कौन से हैं। ठीक है, ऑटोक्राइन क्या है, पैराक्राइन क्या है, ठीक है, कौन कौन से टाइप्स के हार्मोन है, ये भी हमने डिस्कस किया कि भाई अमाइनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है, लिपिड डिराइव्ड हार्मोन है, कौन से लिपिड सोल्यूबल है, कौन से फैट सोल्यूबल है, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो सभी से एक बार रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे तुरंत ही क्लास को स्टार्ट की जा सके। हाँ व्हाट्सएप स्टेटस चेंज कर दीजिए। गुड इवनिंग, चलिए शुरू करते हैं क्लास को अभी, फिर लोग जुड़ते रहेंगे और आगे अपनी बात रखते रहेंगे। ठीक है, बीच में से ज्वाइन करेंगे तो थोड़ी समझने आने में थोड़ी दिक्कत होगी, ठीक है, बट एक बार आप शेयर कर दीजिए। ठीक, चलिए, ये पहली स्लाइड। आपको पता है कि सबसे पहले हम शुरू करते हैं टीएसएल एडवर्टाइजमेंट के साथ। हमने जो हमारे पास जो लेटेस्ट बैच है, जो रनिंग है, वो है ये वाला बैच। ठीक है, टीएसएल बैच 8 जो रनिंग में है करंटली, देखा जाए तो टीएसएल बैच 8 4 बजे से 7:30 बजे तक क्लास चलती है इसकी। स्पेशली डिजाइन किया गया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो जॉब करते हैं, या फिर कहीं कॉन्ट्रैक्ट की जॉब करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, या फिर फाइनल ईयर स्टूडेंट है, क्योंकि इन स्टूडेंट्स को 6 घंटे की 7 घंटे की क्लासेज ये कवर नहीं कर पाते, इसलिए डेली कम क्लासेज का ही बैच हमने निकाला है। और 100% इसमें भी समझ में आएगा, सब कुछ क्लासेस लाइव होगी, वही क्लास 1 ईयर के लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल होगी। ठीक है, ये बैच करंटली रनिंग है लेटेस्ट में। जो अपकमिंग बैच है उसकी हम बात करें तो अपकमिंग बैच ये आपके सामने, ये बैच है अपकमिंग बैच। ठीक है, कौन सा बैच है ध्यान से समझे, सुपर 20 बैच फिर से हम निकाल रहे हैं। एक हमारा ऑलरेडी सुपर 20 बैच चल रहा है,
जिसके अंदर एडमिशन लेने का मतलब है कि 100% सिलेक्शन होगा ही होगा। उसके अंदर पहले हम स्क्रीनिंग टेस्ट लेते हैं, उसमें 50% स्टूडेंट के नंबर आएंगे तो ही उसको उस ऑफलाइन बैच के अंदर एडमिशन दिया जाता है। इसके अंदर क्या है कि 19 नवंबर से ये बैच शुरू होगा, ठीक है, 19 नवंबर से ये बैच शुरू होगा। इस बैच की खासियत क्या है कि सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, सुबह 8 से 2 बजे तक लाइब्रेरी में रहना होगा और 3 बजे से 7:30 बजे तक डेली क्लास होगी। डेली जो भी पढ़ाया है उसको डेली यही लाइब्रेरी में रहके ही उसको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। सारी की सारी क्लासेज भी सेव्ड रहेगी 1 ईयर तक। ऑनलाइन में 100 स्टूडेंट तक हम इसके अंदर लेंगे और ऑफलाइन में ओनली 20 स्टूडेंट, बट पहले टेस्ट लेंगे तभी जाके स्टूडेंट को लेंगे। 7 दिन पढ़ाएंगे, उसके बाद टेस्ट लेंगे तभी जाके स्टूडेंट को लेंगे। 15 दिन तक हर किस्म के स्टूडेंट की फीस रिफंड है यदि आपको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है तो। अब चलते हैं हम आगे, ये लीजिए, ध्यान से समझना है बात को, ठीक है। बात कर रहे हैं हाइपोथैलेमस। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा उसका शॉर्ट में आपको ओवरव्यू दे देता हूं। हमने पढ़ा कि एंडोक्राइन क्या होता है, एंडोक्राइनोलॉजी क्या होता है, एंडोक्राइनोलॉजी आपको पता है कि एंडोक्राइन 2 वर्ड से मिलकर बना है, एंडो प्लस क्राइन, ठीक है। विद इन जो सीक्रेट होते हैं कोई चीज उसको एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, इसके बाद हमने देखा हार्मोन की, हार्मोन क्या है, एक केमिकल सीक्रेशन है किसका, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का ये केमिकल सीक्रेशन जो मैसेज लेके जाता है टिश्यूज के पास, सेल्स के पास, जहां पे उसको पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन कराना होता है, ठीक है। ये आपके हार्मोन है, हार्मोन को आगे हमने देखा, उससे पहले हमने देखा कि ग्लैंड्स कितने तरह की होती है। जो ग्लैंड्स होती है तो ग्लैंड्स हमने बेसिकली क्लासीफाई की 3 तरह की, कौन कौन सी, आपके एंडोक्राइन ग्लैंड जो सीक्रेशन को डायरेक्ट किधर डाल देती हो, ब्लड के अंदर डाल देती हो, वो एंडोक्राइन ग्लैंड। दूसरी कौन सी, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो खुद के सीक्रेशन को किस में डालती हो, डक्ट में डालती हो, एक्सोक्राइन। और जो दोनों मिक्स हो वो हेटेरोक्राइन ग्लैंड, हेटेरोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। इसका एग्जाम्पल था हेटेरोक्राइन ग्लैंड का पैनक्रियास, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड को हम दूसरे वर्ड्स की बात करें तो डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते, डक्टलेस ग्लैंड भी हम इसको बोलते हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया था, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद हमने पढ़ा था हॉर्मोन्स के बारे में, ठीक है, हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ लिया था। तो हॉर्मोन के टाइप के बारे में पढ़ा था, तो पहला था लिपिड डिराइव्ड हॉर्मोन, ठीक है, लिपिड डिराइव्ड हॉर्मोन, डिराइव्ड हॉर्मोन, ठीक है, लिपिड डिराइव्ड हॉर्मोन। लिपिड डिराइव्ड हॉर्मोन मेनली लिपिड सोल्यूबल होते हैं सारे के सारे, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन आया था, कीटोन ग्रुप के, एल्कोहल ग्रुप के हार्मोन इसके अंदर हमने रखे थे। दूसरा था अमाइनो एसिड डिराइव्ड, अमाइनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन, अमाइनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन, अमाइनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन वो थे जो 2 तरह के अमाइनो एसिड से डिराइव्ड हो रहे थे। कौन कौन से, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफेन, कौन से, टायरोसिन नाम का अमाइनो एसिड एंड ट्रिप्टोफेन, ट्रिप्टोफेन। ज्यादातर अमाइनो एसिड हार्मोन वाटर सोल्यूबल होते, बट 2 हार्मोन ऐसे थे जो वाटर सोल्यूबल नहीं थे, अमाइनो एसिड डिराइव्ड थे, कौन कौन से, T3 एंड T4। अमाइनो एसिड डिराइव्ड है बट लिपिड सोल्यूबल, क्या है, लिपिड सोल्यूबल, ठीक। फिर हमने थर्ड डिस्कस किया था कौन सा, पेप्टाइड हार्मोन, और हमने देखा था कि पेप्टाइड और प्रोटीन में क्या फर्क है, 250 अमाइनो एसिड की चेन हो तो पेप्टाइड उसको बोलते हैं पेप्टाइड हार्मोन। कौन सा था पेप्टाइड हार्मोन, एक्चुअल में ऑक्सीटोसिन एंड ADH, ADH एंड ऑक्सीटोसिन, बाकी प्रोटीन वाले बहुत सारे हार्मोन थे जो हमने डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। हार्मोन के फंक्शन के व्यापे भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, वो भी मैं आपको शॉर्ट रिव्यू दे देता हूं फिर मैं क्लास स्टार्ट करूंगा। हार्मोन के फंक्शंस, फंक्शंस के व्यापे भी हमने देखा था कि कौन कौन से हार्मोन होते हैं, ठीक है, ये हमने देखा था। इसके व्यापे देखा था कि ऐसा हार्मोन जिनको बोलते हैं सर्कुलेटरी हार्मोन, सर्कुलेटरी हार्मोन, जो हार्मोन कहां पे काम करते हो, टारगेट सेल पे काम करते हो, मतलब जो कहीं पे टारगेट सेल पे काम करते हो, जो कहीं दूर है सेल, जो ऑर्गन से
जो ग्लैंड से हार्मोन सीक्रेट हुआ है उससे टारगेट ऑर्गन दूर है तो ब्लड में सर्कुलेट करता हुआ वहां तक जा रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं सर्कुलेटरी हार्मोन। दूसरे कौन से होते हैं? लोकल हार्मोन, कि इनका फंक्शन जहां से सीक्रेट हुए उसके पास में ही है, ठीक है। और यदि ये नेबर सेल पड़ोस की सेल पे ही काम करते हैं तो इनको बोलते हैं पैराक्राइन हार्मोन। क्या? पैराक्राइन हार्मोन। और यदि सेल्फ या ओन सेल खुद की सेल पे ही काम करते हैं जहां से रिलीज हो रहे हैं तो इसको बोलते हैं ऑटोक्राइन हार्मोन। यहां तक हम डिस्कस कर चुके हैं पूरी तरीके से, ठीक है। वॉटर सोल्यूबल और वॉटर इनसोल्यूबल की भी हमने बात की है, ठीक। देखो ये चीज तो आने वाली है ना एग्जाम में, ठीक है। सोल्यूबिलिटी ऑफ हार्मोन पे बात हुई थी, किस पे हुई थी? सोल्यूबिलिटी ऑफ हार्मोन इस पे हमने बात की थी। और हमने देखा था कि कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो क्या है, लिपिड सोल्यूबल हार्मोन है, ठीक है। और कुछ है जो कैसे वॉटर सोल्यूबल है। लिपिड सोल्यूबल कैसे हार्मोन? सारे के सारे स्टीरोइड हार्मोन लिपिड सोल्यूबल है, स्टीरोइड हार्मोन लिपिड सोल्यूबल है। और कौन से हैं? T3 and T4, ध्यान से समझना, ये भी लिपिड सोल्यूबल है। और नाइट्रिक ऑक्साइड, तीन चीजें आपको इसके अंदर याद रखनी है। और वॉटर सोल्यूबल हार्मोन कौन कौन से थे, ठीक है? वॉटर सोल्यूबल आपके अमाइनो ग्रुप के हार्मोन। अब अमाइनो ग्रुप के कौन से होते हैं तो लास्ट क्लास देखनी पड़ेगी, एंडोक्राइन पार्ट फर्स्ट, ठीक है। अमाइनो ग्रुप के हार्मोन, ठीक है, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, पेप्टाइड हार्मोन्स, ठीक है। और लॉन्गर चेन प्रोटीन हार्मोन। सबके लिए अब तक जो पढ़ाया है उसके लिए पार्ट वन देखिए और अब आगे, ठीक है। और अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। पेन कॉपी लेके बैठेंगे सारे नर्सिंग ऑफिसर, ठीक से पढ़ना है हाइपोथैलेमस। हाँ जी, पेन कॉपी लेके बैठे जिससे चीजों को नोट किया जा सके और लिखा जा सके, क्योंकि मैं स्लो पढ़ाता हूं, धीरे धीरे पढ़ाता हूं, तो कोशिश करता हूं कि चीजें आपको समझ में आए पूरी तरीके से, ठीक है। स्टार्ट कर दे, यस और नो बोलिए प्लीज। स्टार्ट कर दे, चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं, ध्यान से समझना। हाइपोथैलेमस की बात करें, हॉर्मोन्स की बात करें तो ग्लैंड में हमने हाइपोथैलेमस को भी रखा, प्योरली ग्लैंड तो नहीं है, ठीक है, बट हाइपोथैलेमस, एक पॉइंट आपको हाइपोथैलेमस पढ़ना है, ठीक है। देखो हाइपो का मतलब क्या होता है, पहले तो यहीं से समझना है। हाइपो का मतलब क्या होता है बिलो, लोअर एरिया में कोई चीज। थैलेमस का मतलब थैलेमस ही, तो थैलेमस के बिलो कोई स्ट्रक्चर है, इतना अंदाज हमको तो लग ही रहा है हाइपोथैलेमस से, ठीक है। तो पहली बात इसके अंदर की जाए वो क्या होगी, ध्यान से समझने की कोशिश करना, इट लाइज बिलो द थैलेमस। क्या? इट लाइज बिलो द थैलेमस, इंफीरियर पोर्शन की तरफ होता है क्या हाइपोथैलेमस। अभी डायग्राम दिखाएंगे तो ध्यान से आपको ये बात भी समझ में आएगी। तो पहला पॉइंट समझ में आना चाहिए क्या, पहला देखिए ये आपके सामने आया, इट लाइज बिलो द थैलेमस, ये चीज आपको याद रहनी चाहिए, लाइज बिलो द थैलेमस, फर्स्ट पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे चलो, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है जो आपको याद रखना। दूसरा पॉइंट ये आपके सामने, ध्यान से समझेंगे इस बात को क्या, इट इज पार्ट ऑफ डायएन्सेफेलॉन। अब जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें क्लासिफिकेशन आएगा ब्रेन का, प्रोजेंसेफेलॉन क्या है, मीजेंसेफेलॉन क्या है, डायएन्सेफेलॉन क्या है, ऐसे क्लासिफिकेशन आएगा। उसमें जो डायएन्सेफेलॉन है इसका पार्ट है, इट इज पार्ट ऑफ डायएन्सेफेलॉन लोकेटेड इनफीरियर टू द थैलेमस। पहले ही देख बोला है हाइपोथैलेमस मतलब क्या, इनफीरियर टू थैलेमस, ठीक है, इनफीरियर टू। जो लेटरल वेंट्रिकल्स है
ठीक है, उसके नीचे की तरफ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, थर्ड और उसके भी नीचे। दूसरी बात करें और तो एक चीज और याद रखना है, इट इज कनेक्टेड विद पिट्यूटरी ग्लैंड। किसके साथ कनेक्ट रहता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ कनेक्टेड रहता है। कैसे कनेक्ट रहता है, किससे कनेक्ट रहता है, इसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। ध्यान से समझना, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है, क्या है, ये आपके सामने डायग्राम में थोड़ी सी हमने दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। तो समझने की कोशिश करना है थोड़ा सा, देखो यहां देखिए क्लियर कट, वन मिनट प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, तो थोड़ा सा कोशिश करना है देखने का कि ये देखिए, ये आपके बेस ऑफ ब्रेन में, ठीक है, ब्रेन स्टेम से थोड़ा सा ये स्पाइनल कॉर्ड से नीचे की तरफ से हम जा रहे हैं, ये देखिए नीचे की तरफ से हम जा रहे हैं, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से ये आपके ब्रेन स्टेम आ गए, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लॉंगा, उससे भी ऊपर की बात कर रहे हैं, उससे भी ऊपर की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो कहां पे, ये आपके हाइपोथैलेमस और ये पिट्यूटरी ग्लैंड, जो ये सर्कल में दिखाई जा रहे हैं, ये हाइपोथैलेमस का पार्ट और ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो पी शेप दिख रही है, मटर के दाने के जैसी दिख रही है, इन दोनों के बीच में इससे ये कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? एक पर्टिकुलर स्ट्रक, एक स्ट्रक समझते हो ना, कुछ ऐसे कोर टाइप की स्ट्रक्चर है जिससे ये कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं पिट्यूटरी स्ट्रक। क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी स्टॉक, पिट्यूटरी स्टॉक, ठीक है, इससे ये कनेक्टेड है। अभी इसके बारे में और बात करेंगे, सीधी बात करें तो बेस ऑफ ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस है और उसी से कनेक्टेड कौन सी ग्लैंड है? आपके पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। ये तीन पॉइंट यहां पे बताए हैं, चौथे पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। ये देखिए ध्यान से समझेंगे, ये पार्ट हाइपोथैलेमस का है, ये वाला पार्ट है, ये कौन सा है? हाइपोथैलेमस का पार्ट है। और ये देखिए यहां से ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो आप लाइन देख रहे होंगे, ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके भी एक्चुअल में देखा जाए तो तीन लोब है, ठीक है। यहां मान लो इधर की तरफ पेशेंट का फेस है, तो ये आपके जो लोब है, ठीक, ये कौन सा है? पोस्टीरियर लोब है, जो आप ये देख पा रहे हो, ये कौन सा है? पोस्टीरियर लोब है। क्या है? पोस्टीरियर लोब। जो इधर का देख पा रहे हो, ये कौन सा है? एंटीरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का। क्या है? एंटीरियर लोब। और जो दोनों के बीच में, जो ह्यूमन के अंदर इतना डेवलप नहीं होता है, एग्जॉइनिंग स्ट्रक्चर है, वो आपके कौन सा है? इंटरमीडिएट लोब। क्या है? इंटरमीडिएट लोब। क्या है? इंटरमीडिएट लोब। और थोड़ा समझने की कोशिश करना है कि जो पोस्टीरियर लोब है ना, उसका हाइपोथैलेमस के साथ न्यूरल कनेक्शन होता है। धीरे धीरे समझना बात को, कोई टेंशन मत लेना, धीरे धीरे समझने की कोशिश करना। पोस्टीरियर लोब के साथ हाइपोथैलेमस का न्यूरल कनेक्शन होता है। न्यूरल मतलब न्यूरॉन, तो जानते हो ना, ये मान लो सेल बॉडी है, ये डेंड्राइट्स है न्यूरॉन के, ठीक है, और यहां से एक्सोन है, और यहाँ पे आपके इसके टर्मिनल बटन, यहाँ पे कोई भी चीज फॉर्म हो रही है, वो एक्सोन से यहां तक ट्रांसमिट हो जाती है, एक्सोन से। तो ध्यान से समझना कि दो स्पेशल न्यूरॉन्स हैं जो आपको याद रखने हैं, कौन सा? पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। अब न्यूरॉन ज्यादा है, ग्रे मैटर जब ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियाई बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ध्यान से समझना, कौन सा? पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, यहां लिख रहा हूं मैं, पैरा वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, और दूसरे टाइप कौन सा है? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, पैरा ऑप्टिक न्यूक्लियस, पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, ये दोनों का कनेक्शन किसके साथ है? पोस्टीरियर, पोस्टीरियर लोब के साथ।
तो पोस्टीरियर लोब के साथ न्यूरल कनेक्शन है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई है और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई है, ये दो हार्मोन बनाते हैं। ये क्या करते हैं? दो हार्मोन बनाते हैं। कौन कौन सा? ऑक्सीटोसिन और एडीएच। कौन सा बनाते हैं? ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच। तो कोई पूछ ले आपसे कि ऑक्सीटोसिन और एडीएच का सिंथेसिस कहां होता है, तो याद रखना ऑक्सीटोसिन और एडीएच का सिंथेसिस कहां होता है? हाइपोथैलेमस। कहां होता है? हाइपोथैलेमस में इसका सिंथेसिस होता है, ठीक है। और यहीं से ये एक्सोन के थ्रू ट्रेवल करते हैं कहां तक? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो रिलीज, स्टोर एंड रिलीज होता है। रिलीज कहां से होता है? आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, ठीक। दूसरी बात की जाए एंटीरियर की, तो एंटीरियर में देखो इसका एंटीरियर होता है वेस्क्यूलर कनेक्शन। कौन सा होता है? वेस्क्यूलर कनेक्शन होता है एंटीरियर के साथ, वेस्क्यूलर कनेक्शन। कैसे? मान लो कि ये एक वेन है। एक चीज समझना, ठीक से समझने की कोशिश करना, समझ में आए। ये वेन है, इसके यहाँ पे भी कैपिलरीज है। आगे आप जानते हो ना, एक बार कैपिलरीज है वेन की तो फिर आगे जाके और बड़ी वेन बन जाए, बट इधर भी कैपिलरीज हो, कुछ ऐसा हो कि इधर भी कैपिलरीज हो, इधर भी कैपिलरी, ऐसा वेन जिसमें दोनों तरफ कैपिलरी, जैसे ये कैपिलरीज है इधर कैपिलरीज, उसको बोलते हैं पोर्टल सिस्टम, पोर्टल वेन या पोर्टल सिस्टम। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास क्या होता है? हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम से कनेक्टेड होती है। हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम से कनेक्टेड होती है एंटीरियर पिट्यूटरी। बहुत ध्यान से समझना है इस बात को, ठीक है। मैं थोड़ा आगे लेके जाता हूं यहां से पॉइंट को। तो देखा कि पोस्टीरियर किधर है और आपके एंटीरियर किधर है। अब ठीक से वापस की पॉइंट्स की तरफ हम चलते हैं। फर्स्ट की पॉइंट समझ में आई यहां तक की बात? देखो दोबारा समझ लेते हैं। ये आपके मान लो हाइपोथैलेमस है ना, ये हाइपोथैलेमस है, ऊपर लिखा हुआ भी है हाइपोथैलेमस, ये आपके हाइपोथैलेमस है, ठीक है। इसमें दो न्यूक्लियस है, दो तरह के न्यूक्लियस हैं। कौन कौन सा? ये एक न्यूक्लियस, ये दूसरी तरह का। कौन कौन से? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई एंड पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, ठीक है, पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। और ये एक्सोन के साथ ड्रेन कहां कर रहे हैं? ये पोस्टीरियर जो है यहाँ पे ड्रेन कर रहे हैं। ध्यान से समझो, ये आपके एंड पोस्टीरियर लोब और ये एंटीरियर, ये इंटरमीडिएट लो, ठीक है। तो पोस्टीरियर के साथ है न्यूरल कनेक्शन। तो एडीएच और ऑक्सीटोसिन यहां बनेंगे, बट रिलीज कहां से होंगे? यहां से एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। एंटीरियर के साथ कौन सा है? एंटीरियर के साथ है न्यूरल कनेक्शन, सॉरी वेस्क्यूलर कनेक्शन। ये कैपिलरी और यहां पे भी कैपिलरी, वेस्क्यूलर कनेक्ट। किससे कनेक्टेड है? हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम, ठीक है। न्यूरल कनेक्शन किसके साथ है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ। और आपके जो वेस्क्यूलर कनेक्शन है वो किसके साथ है? एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ। अब इसको ठीक से समझ लेना है एक बार ध्यान से। जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसकी हम बात करें तो इसको हम हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। अभी हम लेटर स्टेज में पढ़ेंगे, हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, ठीक है, हाइपोफाइसिस भी पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो खुद सोच के देखो कि न्यूरो हाइपोफाइसिस किसको बोलेंगे, एंटीरियर को या पोस्टीरियर को? सोच के देखिए एक बार,
किसको बोलेंगे? एंटीरियर को बोलेंगे या पोस्टीरियर? न्यूरल कनेक्शन किसके साथ है? पोस्टीरियर के साथ। तो क्या बोलेंगे? न्यूरो हाइपोफाइसिस। और एंटीरियर लोब का नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस। ये अभी हम थोड़ी देर में और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, फिर से इसको डिस्कस करेंगे। एक बार हमको चलना पड़ेगा हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स की तरफ। किधर जाना पड़ेगा? हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन की तरफ हमको जाना पड़ेगा। ध्यान से समझेंगे ऑफिसर से ये बात, ठीक है? ये देखिए हॉर्मोन्स, हाइपोथैलेमस से कौन कौन से हॉर्मोन आते हैं, तो हॉर्मोन की लिस्ट ही बनेगी तभी जाके बात बनेगी। कौन सा आता है? देखो, थायरोट्रोफिन हॉर्मोन, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हॉर्मोन। देखो जो हॉर्मोन आएंगे ना वो कुछ ऐसे होंगे, ठीक है? रिलीजिंग हॉर्मोन, रिलीजिंग हॉर्मोन दूसरे हॉर्मोन को रिलीज करें। इनहिबिटिंग हॉर्मोन, इनहिबिटिंग हॉर्मोन दूसरे हॉर्मोन के रिलीज को कम कराएंगे, ठीक है? तो ऐसे हॉर्मोन आपको याद रखना है। अब हाइपोथैलेमस से कौन कौन से हॉर्मोन निकलेंगे, यहां से क्वेश्चन भी बन सकता है, तो याद रखने की हम कोशिश करेंगे। कौन कौन से, ध्यान से समझो। थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हॉर्मोन, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हॉर्मोन। कुछ समझ में आ रहा है कि थायरॉइड से रिलेटेड कुछ होगा? अभी एक बार नाम नाम याद रखो, फिर आगे हम हर का फंक्शन पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है? दूसरा हॉर्मोन की बात की जाए तो कौन सा है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन। कौन सा? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन, ठीक है? शॉर्ट फॉर्म में भी देखते जाएंगे, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन को बोलेंगे TRH। ये सर्टिफाइड एब्रिविएशन है, याद रखना है आपको TRH। गोनेडोट्रोफिन जो गोनेड्स को क्या करेंगे, वहां से ज्यादा अमाउंट में रिलीज कराएंगे उनके हॉर्मोन्स को, ठीक है? तो गोनेडोट्रोफिन मतलब टेस्टिस और ओवेरिस, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हॉर्मोन क्या बोलेंगे? GnRH। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हॉर्मोन GnRH, ठीक है? और देखा जाए तो और कौन सा? थर्ड कौन सा? ग्रोथ हॉर्मोन रिलीजिंग हॉर्मोन। क्या? ग्रोथ हॉर्मोन रिलीजिंग हॉर्मोन, ठीक है? GHRH, ग्रोथ हॉर्मोन रिलीजिंग हॉर्मोन। ये किसके हॉर्मोन पढ़ रहे हैं हम? हाइपोथैलेमस के पढ़ रहे हैं, अभी तीन ही हुए हैं, ठीक है? देखो भाई, क्रिस्टल क्लियर करना है तो समय लगेगा, ठीक है? ध्यान से समझते जाना है। दूसरी बात की जाए और तो देखो फोर्थ नंबर पे क्या? ग्रोथ हॉर्मोन इनहिबिटिंग हॉर्मोन, ठीक है? ग्रोथ हॉर्मोन रिलीजिंग हॉर्मोन आ गया और ग्रोथ हॉर्मोन इनहिबिटिंग हॉर्मोन GHIH, ग्रोथ हॉर्मोन इनहिबिटिंग हॉर्मोन, ठीक है? ये जो ग्रोथ हॉर्मोन रिलीज होगा उसको भी कम कर। दूसरी बात की जाए क्या? मेलेनोसाइट्स इनहिबिटिंग हॉर्मोन MIH, मेलेनोसाइट इनहिबिटिंग हॉर्मोन। क्या? मेलेनोसाइट इनहिबिटिंग हॉर्मोन। और देखा जाए तो और कौन सा? तो एक और हॉर्मोन याद रखना, क्या? प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हॉर्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हॉर्मोन। तो एक चीज तो क्लियर हो गई ना यहीं से, ठीक है? एक चीज तो क्लियर हो ही गई होगी आपको, ठीक है? क्या? एक चीज तो क्लियर हो ही गई यहां से, एक और हॉर्मोन है उसको भी क्लियर कर लेते हैं। ये लीजिए, क्या? कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हॉर्मोन, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हॉर्मोन, ठीक है? क्या? CRH। सीधी सीधी बात करें तो हाइपोथैलेमस से दो तरह के हॉर्मोन रिलीज होते हैं। कौन कौन से? एक तो रिलीजिंग हॉर्मोन और एक इनहिबिटिंग हॉर्मोन, रिलीजिंग हॉर्मोन और इनहिबिटिंग हॉर्मोन, ठीक है? तो चार तो रिलीजिंग हॉर्मोन हो गए, तीन इनहिबिटिंग हॉर्मोन इसके अंदर हो गए, ठीक है? चार रिलीजिंग हॉर्मोन है और तीन इनहिबिटिंग हॉर्मोन है। याद आया? कुछ समझ में आ रही है इतनी बात, ठीक है? अब कैसे याद करें कौन से इनहिबिटिंग है कौन से रिलीजिंग है, बड़ा मुश्किल काम है। इसके लिए
ध्यान से समझ गए कौन कौन से हार्मोन, टीआरएस थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएचआरएच, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एक और है कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, और तीन इनहिबिटरी ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन मेलेनोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, ये कुछ हार्मोन्स है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, कैसे याद रखोगे ध्यान से समझ लेना, चार रिलीजिंग है तीन इनहिबिटिंग हार्मोन, चार तो रिलीजिंग है तीन इनहिबिटिंग हार्मोन। एक शॉर्ट ट्रिक से हम इसको याद रख सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक याद रखना है बिल्कुल काम आपका बन जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या, देखो एक सिंपल चीज याद रखो ऐसे, द गर्ल्स मेक परफेक्ट क्रेजी। ठीक है, ये निमोनिक्स है, ये याद रखोगे तो 100% याद हो जाएगा, कोई आपको बुलाने वाला नहीं। द गर्ल्स मेक परफेक्ट क्रेजी है ना, गर्ल्स परफेक्ट क्रेजी कर देती, पागल कर देती है ना इंसान को, ऐसे मान लो। तो एक छोटे से निमोनिक्स है, याद हो जाएगा इससे क्या, टी एच से क्या याद रखोगे, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन टी आर एच, एक आ गया थायरोट्रोपिक। आपको पता है चार रिलीजिंग है और तीन इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है, चार रिलीजिंग है ना। ठीक है, गलत से याद रख लो, चार तो रिलीजिंग है पागल होने वाले कम है, तो इनहिबिटिंग तीन। ठीक है, तो टी से दी गर्ल्स में, टी एस से क्या, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, जी से चार है, आपको पता है जी से चार है, कौन कौन से, जी एन आर एच गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, और कौन सा, जी एच ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जी एच आर एच, और कौन सा है, जी एच आई एच ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, तीन इसके अंदर हो गए टोटल, यहां तक चार सॉरी। ठीक है, तो कितने हो गए, तीन रेख चार। एम से क्या है, एम से मेलेनोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन, एम आई एच मेलेनोसाइट इनहिबिटिंग। पी से परफेक्ट पी आर प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, पी आई क्रेजी कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग CRH। एक बार देखो, देखिए हो गया क्या। ठीक है, तीन दो पांच छह और एक सात, ये सात के सात हार्मोन किसके हैं, हाइपोथैलेमस के, याद हो जाएंगे। हाँ जी, याद हो जाएंगे क्या, हाइपोथैलेमस एंड उसके हार्मोन की बात हमने कर ली है यहां तक। चलें आगे, ठीक, अब और आगे थोड़ा सा चलने की हम कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट, तो इस निमोनिक से आप याद रखने की कोशिश कीजिए, याद होगा सब कुछ। नेक्स्ट, अब बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। ठीक है, ठीक से बात करनी पड़ेगी पिट्यूटरी ग्लैंड की। पहली बात, पिट्यूटरी ग्लैंड होते कहां है, यहां से हम इस चीज को शुरू कर रहे हैं, तो ध्यान से समझे पिट्यूटरी ग्लैंड कहां। देखो, ये जो आपकी बोन है, ये जो येलो कलर की जो बोन बता रखी है, स्कल है, ठीक है, ये जो येलो कलर की बोन बता रखी है, ये है कौन सी बोन, स्फिनोइड बोन, स्फिनोइड बोन है। इस स्फिनोइड बोन में ये एक छोटी सी जगह है, ठीक है, एक स्पेस है। स्फिनोइड बोन में क्या है, एक स्पेस है, एक डिप्रेशन है, जिसको बोलते हैं सेला टर्सिका, सेला टर्सिका, क्या बोलते हैं, सेला टर्सिका। दूसरे वर्ड्स की बात करें तो इसको एक चीज और बोलते हैं, हाइपोफिशियल फोसा, हाइपोफिशियल फोसा। तीन चीज याद रखें, क्या, ये जो बोन बता रखी कौन सी है,
स्पिनोइड बोन है, ठीक है, इसमें जो ये एक ग्रू बना हुआ है, गड्ढा बना हुआ है, जो एक्चुअल में देखा जाए तो कौन सा है आपके, एक गड्ढा है, कॉनकेव शेप का एक गड्ढा बना हुआ है, उसको बोलते हैं सेला टर्सिका या फिर हाइपोफिशियल फोसा। क्या बोलते हैं? हाइपोफिशियल फोसा। और थोड़ा सा पिट्यूटरी के बारे में एक दो चीजें पढ़ने की कोशिश करते हैं जो एग्जाम में आ सकती है। क्या? पहली बात तो पिट्यूटरी ग्लैंड अभी हमने डायग्राम में देखा था, लोकेटेड इन बेस ऑफ ब्रेन, लोकेटेड इन बेस ऑफ ब्रेन, ठीक है, उससे भी हाइपोथैलेमस के भी नीचे है बेस ऑफ ब्रेन। दूसरी बात की जाए तो दूसरी समझो, देखो क्या इसकी जो साइज होती है वो 1 से 1.5 सेंटीमीटर इसकी साइज होती है। कितनी होती है? 1 to 1.5 सेंटीमीटर इसकी साइज, 1 to 1.5 सेंटीमीटर। आगे की बात करें, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज, पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें, ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। क्यों बोलते हैं मास्टर ग्लैंड? क्योंकि ये कंट्रोल करती है और ग्लैंड्स के हॉर्मोन्स को, बट हाइपोथैलेमस इसको भी कंट्रोल करता है, तो हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोल सकते हैं। और यहां की बात की जाए तो क्या पिट्यूटरी को क्या बोला है? मास्टर ग्लैंड। और हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। हाइपोफाइसिस क्यों बोलते हैं? हाइपोफिशियल ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट इज लाइज और सिचुएटेड इन द हाइपोफिशियल फोसा, ठीक है, कहां है? हाइपोफिशियल फोसा के अंदर सिचुएटेड है, इसलिए इसको बोलते, ठीक है। आगे चलें, आगे नेक्स्ट नेक्स्ट बात की जाए, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। देखो हर एक पॉइंट मैंने डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूं, ये देखिए, सिचुएटेड इन डीप डिप्रेशन ऑफ इनटू सेला टर्सिका, बिल्कुल सही है, अभी हमने पढ़ा है, सिचुएटेड इन डीप डिप्रेशन, अंदर डीप डिप्रेशन ऑफ सेला टर्सिका ऑफ स्पिनोइड बोन नोन एज हाइपोफिशियल फोसा। क्या बोलेंगे उसको? हाइपोफिशियल फोसा हम यहाँ पे बोलेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट ये भी समझ लो, क्या सेला टर्सिका क्या है? सेला टर्सिका एक डिप्रेशन है, एक गड्ढा है, ठीक है, कैसा? कॉनकेव शेप का है। कौन सा है? कॉनकेव एरिया ऑफ स्पिनोइड बोन, बोन पूछ सकते हैं, कॉनकेव एरिया ऑफ स्पिनोइड बोन, ठीक है। और बात की जाए, और थोड़ा सा आगे चल लेते हैं, देखो समझो, ठीक है, इट इज पी शेप ग्लैंड। कैसी ग्लैंड है? पी शेप ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड कैसी ग्लैंड है? पी शेप्ड ग्लैंड है। कौन सी है? पी शेप्ड ग्लैंड। और आगे चलें, इट इज सिचुएटेड इन, अब सोचो हाइपोथैलेमस से रिलेशन देखे तो किधर सिचुएटेड है, तो एक और लाइन आपके लिए लिखी है, ध्यान से समझेंगे इसको भी, देखो, इट इज सिचुएटेड इन डोर्सल सरफेस ऑफ हाइपोथैलेमस, मतलब हाइपोथैलेमस के नीचे, डोर्सल सरफेस ऑफ हाइपोथैलेमस में सिचुएटेड है कौन सी? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। अब वो बात कि हाइपोथैलेमस से कैसे कनेक्टेड रहती है, तो इसकी बात कर रहे हैं नेक्स्ट। हाइपोथैलेमस से कैसे कनेक्टेड रहती है? देखो, कनेक्टेड विद हाइपोथैलेमस बाय, किससे कनेक्टेड रहती है बताओ, एक बार देखें, किससे कनेक्टेड रहती है? अभी मैंने डिस्कस भी किया था, किससे कनेक्टेड रहती है पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से, सोच के बताइए थोड़ा सा एक बार, किससे कनेक्टेड रहती है? हाँ जी, किससे कनेक्टेड रहती है? ठीक है, टाइप करके, बहुत डिले हो रहा है टाइप करने में, जल्दी जल्दी टाइप कीजिए जिससे, बिल्कुल बात है, पल्लवी जी ने सही आंसर दिया है, पिट्यूटरी स्टॉक किससे कनेक्टेड रहती है, लिख सकते हैं हम, क्या? कनेक्टेड बाय हाइपोथैलेमस बाय हाइपोफिशियल और पिट्यूटरी स्टॉक, हाइपोफिशियल और पिट्यूटरी
एक्स्ट्रा, ये आपको याद रखना है पूरी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं लोब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, कि पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन कौन से लोब होते हैं, कितने लोब होते हैं, किसको क्या बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान से समझ, ठीक है। लोब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पहली बात की जाए तो क्या, एंटीरियर लोब जो पिट्यूटरी ग्लैंड का मेन पार्ट है वो एंटीरियर लोब है, 75% जो ऑक्यूपाई करती है वो कौन सा है, एंटीरियर लोब है नर्सिंग ऑफिसर, ध्यान से समझिए एंटीरियर लोब। दूसरा नाम क्या है एंटीरियर लोब का, एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है। हाइपोथैलेमस से कैसा कनेक्शन है, हाइपोवेस्क्यूलर कनेक्शन है, ठीक है, वेस्क्यूलर कनेक्शन विद हाइपोथैलेमस, वेस्क्यूलर कनेक्शन विद हाइपोथैलेमस, किसके द्वारा कनेक्शन है हाइपोथैलेमस से, ठीक है, एंटीरियर का क्या, हाइपोथैलेमिक, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम, पोर्टल सिस्टम, अभी मैंने बताया कि पोर्टल सिस्टम क्या होता है, ठीक है, ये एंटीरियर लोब की बात है। दूसरे बात करते हैं, दूसरा लोब है आपके पोस्टीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब का दूसरा नाम, इट इज ऑल्सो नोन एज पोस्टीरियर लोब, ऑल्सो नोन एज न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, क्यों भैया, क्योंकि इसके साथ न्यूरल कनेक्शन है, न्यूरल कनेक्शन विद हाइपोथैलेमस, कौन से दो न्यूक्लियाई आपको कौन पता है, कौन सा, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और पैरा वेंट्रिक्यूलर न्यूक्लियाई, पैरा वेंट्रिक्यूलर न्यूक्लियाई, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और पैरा वेंट्रिक्यूलर न्यूक्लियाई, ठीक है। एक और लोब है जिसका हमने जिक्र किया था कि हमारे अंदर, मतलब इंसानों के अंदर उतना डेवलप नहीं होता है, बट जिक्र करना जरूरी है, इंटरमीडिएट लोब, जो ह्यूमन बींग्स के अंदर उतना डेवलप नहीं है। तीनों लोब क्लियर, यहां तक बताओ जल्दी से, यस और नो, यहां तक की बात क्लियर, आगे चलें, एंटीरियर लोब क्या है, पोस्टीरियर लोब क्या है, इसकी ब्लड सप्लाई भी याद रखनी है एंटीरियर लोब की, ठीक है। एंटीरियर लोब की ब्लड सप्लाई आप मेंशन कर सकते हो, कॉपी लेके बैठना, मैंने पहले ही आपको बोला था एंटीरियर लोब कौन सा, सुपीरियर हाइपोफिशियल आर्टरी, कौन सी, सुपीरियर हाइपोफिशियल आर्टरी, इट इज ब्रांच ऑफ सुपीरियर हाइपोफिशियल आर्टरी, किसकी ब्रांच है, इट इज ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। पोस्टीरियर की बात करें, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात कर लेते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी की सप्लाई कौन दे रहा है, तो कौन सा, हाइपो इनफीरियर हाइपोफिशियल आर्टरी, कौन सी, ये भी सिंपल है, इंफीरियर हाइपोफिशियल आर्टरी। नोट्स बना लेना भाई, प्रॉपर पेड क्लासेज की तरह पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पूरी तरीके से, इंफीरियर हाइपोफिशियल आर्टरी, ठीक है, आगे चले, इट इज ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, ये आपको याद रख। नेक्स्ट सवाल पे हम चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, ये लीजिए, अब चलते हैं नेक्स्ट, एंटीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स, मतलब जो एडिनो हाइपोफाइसिस है जिससे वेस्क्यूलर कनेक्शन है उसके हॉर्मोन्स की बात कर रहे हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हॉर्मोन्स की यहाँ पे हम बात करना चाह रहे हैं, तो कौन कौन से हॉर्मोन है ध्यान से हम समझने की कोशिश करेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी के कौन कौन से हॉर्मोन है,
ठीक है, तो चले स्टार्ट कर देते हैं। पहला हार्मोन है कौन सा? FSH। FSH का मतलब क्या है? फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या? फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा है? फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरी बात की जाए कि और कौन सा है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट है LH। LH क्या है? LH की फुल फॉर्म क्या है, तो लिख लीजिए फुल फॉर्म, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तीसरी बात की जाए तो कौन सा है? ल्यूटेनाइजिंग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट तीसरी थर्ड बात की जाए तो ये ACTH। कौन सा? ACTH। ACTH क्या? एडिनो कोर्टिको ट्रॉफिक, एडिनो कोर्टिको ट्रॉफिन ट्रॉफिक हार्मोन। एडिनो कोर्टिको ट्रॉफिक। ठीक है, नेक्स्ट हार्मोन की बात करें, नेक्स्ट है TSH। TSH, TSH क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ध्यान से समझना है बात को, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, और आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन। कौन सा हार्मोन? प्रोलैक्टिन। ठीक, प्रोलैक्टिन आपको पता ही है। नेक्स्ट हार्मोन कौन सा है? आपके एंडोर्फिन। एंडोर्फिन और एंडोफिन, और लास्ट आपके कौन सा? GH, ग्रोथ हार्मोन। ये सब याद रखना है। ठीक है, ये सब याद आपको रखना है। जो एंडोर्फिन है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी, ये हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि आगे हैप्पी हार्मोन की भी हम बात करेंगे, तो आपको याद रखना। ठीक है, तो कौन कौन से? FSH, LH, ACTH, TSH, प्रोलैक्टिन और एंडोर्फिन, GH, ग्रोथ। देखो, ट्रोफिन हॉर्मोन्स है ना, ट्रोफिक, ट्रोफिन जो लगता है, वो किसी भी चीज को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, दूसरे हॉर्मोन को और स्टिमुलेट करें। ठीक, तो ध्यान से आपको समझना है इस चीज को। तो कौन कौन सा? FSH फोलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन, ACTH एडिनो कोर्टिकोट्रोफिक हॉर्मोन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन, प्रोलैक्टिन और एंडोर्फिन और एंडोफिन हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है, और GH बोले तो ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? बड़ा मुश्किल काम है। तो पिट्यूटरी वाले तो हमने याद रख लिए, कैसे? हाइपोथैलेमस के तो याद रख लिए, द गर्ल्स मेक परफेक्ट क्रेजी। अब यहाँ कैसे याद रखेंगे? तो ध्यान से समझ लो, हमको कुछ स्टडी करनी पड़ेगी यहाँ अल्कोहल वाले लोगों की। ठीक है, ये मान लो दो अल्कोहल वाले, अल्कोहल पीने वाले लोग हैं, दो ये अल्कोहल पीने वाले लोग, एक ये और एक। तो अल्कोहल पीने वालों का भी आदर सत्कार होता है। आदर सत्कार मतलब अल्कोहल पीने वाले भी साथ में बैठते हैं, वो भी स्वागत करते हैं एक दूसरे का, वो भी विदाई करते हैं एक दूसरे की, भले ही नाले के अंदर ही करें बट विदाई होती है प्रॉपर। ठीक है, तो अल्कोहल में क्या होता है कि कितने, जैसे ये मान लो ग्लास है, तो इसमें मान लो इतना लिया है, 30 ml लिया है, तो ऐसे जो क्वांटिटी लेते हैं ना शॉट, उसको बोलते हैं पैक। क्या बोलते हैं? तो अल्कोहल वाले भी मान लो कोई पहले से अल्कोहल पी रहा है या कहीं पे गया है अल्कोहल पीने के लिए दोस्तों के साथ, तो पहली बार जो पैक दिया जाता है उसको बोलते हैं वेलकम पैक। क्या बोलते हैं? वेलकम पैक। अब मैं ये दारू पीना नहीं सिखा रहा तुमको, मैं ट्रिक बता रहा हूं। और फिर आपके फेयरवेल पैक होता ही नहीं है। ठीक है, फिर पीते जाते फिर धड़ाप जोर से। ठीक है, तो लास्ट में कौन सा पैग आता है? फ्लैट पैग। ठीक है, कौन सा? फ्लैट पैग। ठीक है, धड़ाम वाला, गिरने वाला फ्लैट पैग।
तो आपको किससे याद रखना है? फ्लैट पैग से याद रखना है। किससे? फ्लैट पैग, एफ एल ए टी, फ्लैट पैग। एफ फॉर फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन, ठीक है। एल फॉर ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन। ए फॉर एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हॉर्मोन। टी फॉर थायराइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन। पी फॉर प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन। ई फॉर एंडोर्फिन, एंडोर्फिन। और जी फॉर ग्रोथ। याद रख लोगे फ्लैट पैग से। कोई दिक्कत है किसी को यहां तक? तो ये हुए एंटीरियर लोब के हॉर्मोन। किसके? एंटीरियर लोब के हॉर्मोन। कोई दिक्कत यहां तक? अब चलते हैं थोड़ा और आगे, ठीक है। दूसरे, आप धीरे धीरे इसके नोट्स बना लेना प्रॉपर, ठीक है। आपको गवर्नमेंट नौकरी लगना है तो, बाकी हवा में बातें कोई भी कर सकता है भाई। पोस्टीरियर लोब की बात की जाए तो पोस्टीरियर लोब से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, रिलीज होते हैं। फॉर्मेशन कहाँ होता है इनका? सिंथेसिस इन हाइपोथैलेमस। कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस। अभी हमने इतनी देर से यही बात कर। कौन कौन से हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन और एडीएच। फंक्शन पढ़ेंगे बाद में, पहले नाम नाम पढ़ लो। ऑक्सीटोसिन और एडीएच, एडीएच को बोलते वैसोप्रेसिन। और इंटरमीडिएट लोब से भी एक हार्मोन आता है जिसको बोलते हैं एमएसएच। क्या? मेलेनोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या? मेलेनोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलेनोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहां तक की बात क्लियर? किसी को दिक्कत है यहां तक की? मेलेनोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्लियर? तो कई बुक्स में इंटरमीडिएट लोब का जिक्र नहीं किया है, तो इसको एंटीरियर में ही काउंट कर लिया है, एंटीरियर में ही इस हार्मोन को बता दिया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ठीक है। हॉर्मोन्स हो गए सारे के सारे। अब देखो बात करते हैं कुछ न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं और हॉर्मोन क्या होते हैं उसकी, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं उसकी और हॉर्मोन क्या होते हैं उसकी, इसकी थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। ध्यान से आप इस चीज को समझेंगे। क्या? न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे ये एक न्यूरोन है। न्यूरोन में कौन कौन से पार्ट होते हैं? ये जहां से इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं, ये आपके डेंड्राइट्स, ये सेल बॉडी, सेल बॉडी, ठीक है। ये एक्सोन जहां से आपके सिग्नल्स यहां से रिसीव होंगे, इधर ट्रांसमिट होंगे, और ये इन दोनों का जंक्शन, ठीक है। न्यूरल जो जंक्शन, सिनेप्स बोलते हैं, साइनेप्स, ठीक है। तो जो सिनेप्स हैं, न्यूरल सिनेप्स है, यहां से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो मैसेज को नेक्स्ट तक पहुंचाने में हेल्प कर। तो न्यूरोनल जंक्शन है, न्यूरोनल सिनेप्स है, जहां पे रिलीज होते हैं उनको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। और हार्मोन क्या बोलते हैं? हार्मोन रिलीज फ्रॉम वन पार्ट। हार्मोन क्या है? कई बार बोल दिया, रिलीज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ग्लैंड एंड एक्ट ऑन अदर सेल और डिस्टेंट सेल ऑफ बॉडी। वैसे हार्मोन का जो लिटरल मीनिंग होता है वो क्या होता है? टू एक्साइट और टू गेट मूव, टू एक्साइट और टू गेट मूव, मतलब सेलुलर फंक्शन कराता है, सेलुलर फंक्शन करवाता है वो हार्मोन। तो ये दोनों भी कल अलग अलग करेंगे कि जैसे एपिनेफ्रिन कहां पे हार्मोन की तरह काम करता है और कहां पे ये न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अभी तक कोई दिक्कत है? अभी तक कोई दिक्कत है यहां तक कि उसमें किसी को? हाँ या ना बोलिए। नहीं, किसी को दिक्कत है यहां तक? कोई चीज समझ में नहीं आई हो, ऐसा कुछ हो तो,
ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत बहुत धन्यवाद क्लास लेने के लिए। किसी भी स्टूडेंट को 100% सिलेक्शन देना हो तो वो इस बैच में एडमिशन ले सकता है। एक बैच पहले से रनिंग है, नया बैच 19 नवंबर से शुरू होगा, ठीक है। 100% सिलेक्शन है, सुबह 8 बजे से 2 बजे तक लाइब्रेरी होगी, 3 से 7:30 बजे तक क्लास होगी, सारी क्लास लाइव होगी, नोट्स क्लास में डिक्टेट होंगे, ठीक है। डेली पढ़ना होगा, वही दूसरे दिन बताना होगा, तो ही क्लास आगे कंटिन्यू होगी। सारी की सारी क्लास 1 साल के लिए सेव रहेगी। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इस नंबर पे कॉल कर, ठीक है। तो आज का लेक्चर भी हमने खत्म कर लिया है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा, ठीक। और अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप चाहते हैं कि पूरी एंडोक्राइन, पूरी रीनल नर्वस सिस्टम, ये सब कुछ हम पढ़े, ठीक है, और एक एक पॉइंट टू पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते चले, तो प्लीज शेयर कीजिए। और आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जितने भी लोग हैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आप कंटिन्यू क्लासेज कराने चाह रहे हैं, अच्छी क्लासेज कराना चाह रहे हैं, क्वालिटेटिव स्टडी कराना चाह रहे हैं, तो ये चीज जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।